फ्रेंड्स, मैथ टॉक टैलेंट में आपका स्वागत है। मैं रामचंद्र सर जी आज अपने गुणा के ट्रिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और इसमें हम जो आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 9 अंकों के कैसे गुणा करेंगे। यदि एक तरफ 9 अंक से बनी संख्याएं हों और दूसरे तरफ ऐसे कोई भी अंक हों तो उसका गुणनफल हम 5 सेकंड में कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं। आज हमें बताना है कि यदि 9 अंक से बनी संख्याओं की संख्या आप देख रहे हैं जिसमें 9 9 की संख्या कम है, 9 की संख्या कम है और इधर वाली संख्या अधिक है, तब हम इसका गुणनफल 5 सेकंड में कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे ये दो आप जो देख रहे हैं इसे हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 में 9 से गुणा करना है तो नियम बताया गया था कि यहाँ जो भी संख्या होगी इसे हम 1 कम करके यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ जो संख्या होगी उसको हम 9 में से घटा देंगे, अर्थात 9 से 7 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका गुणनफल हो गया 72। उसी प्रकार 18 में अगर 99 से गुणा करना है तो यहाँ पर 18 में 1 कम करके यहाँ हम लिख देंगे, यानी इसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी 1 कम करके हम यहाँ लिख देंगे 17 होगा, और फिर इस 17 को 99 से घटा के लिख देंगे अर्थात 9 से 7 को घटाएंगे 2 होगा, फिर 9 से 1 को घटाएंगे 8 होगा, अर्थात इस प्रकार 18 × 99 बराबर 1782 हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप अब जो देखेंगे उसमें आप यह देख रहे हैं कि 9 की संख्या यहाँ 1 9 है, यहाँ पर जो संख्या है उसमें 2 अंक है, तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 25 है तो नियम बिल्कुल वही है कि 1 कम करके यहाँ लिख देंगे यानी 24, और फिर यहाँ जो संख्या होगी उसको हम यहाँ जो 9 वाली संख्या है उसमें से घटा लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यह 2 अंकों की संख्या है या 1 अंक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके पास आगे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे और फिर इस 9 से 24 को घटाएंगे, तो 9 से पहले 4 को घटाएंगे 5 होगा, और फिर इस 0 से 2 को घटाएंगे तो -2 होगा, अर्थात यहाँ होगा -2, अर्थात जब हम इसे संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसे हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ जो 24 है उसमें से 2 घटा देंगे यानी यहाँ हो जाएगा 22, और इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। फिर एक उदाहरण देखिए, आप देख रहे हैं 234 है तो नियम वही है कि 1 कम करके लिखना है, अर्थात 234 है तो यहाँ हो जाएगा 233, और फिर यहाँ 99 है इसके, इसको भी हम 3 अंकों की संख्या कर लेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 0 रख सकते हैं, और फिर इस 99 से हम 233 को घटा देंगे अर्थात हम 9 से 3 को घटाएंगे यहाँ 6 होगा, फिर 9 से 3 को घटाएंगे यहाँ 6 होगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 से 2 को घटाइएगा तो फिर वही -2 होगा, और फिर इसे हम एक बार ऐसे लिख देंगे 6 6, और ये देख रहे हैं 3 से 2 को घटा दिए हो गया 1, और ये 3 और 2, इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। उस प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं, 358 × 9 है यानी 358 एक कम करके पहले लिख देंगे तो हो जाएगा 357, और फिर इसमें से घटाना आप देख रहे हैं ये 3 अंक है और ये 1 ही अंक है यानी इसके आगे कुछ नहीं तो 0 है, और हम इस 9 से 7 को घटा दें क्या प्राप्त होगा 2, फिर यहां देख रहे हैं 0 है तो 0 है तो 0 से 5 घटा दें क्या प्राप्त होगा -5, फिर 0 से 3 को घटा दें क्या
क्या प्राप्त होगा? माइनस तीन। तो अब करना क्या है, हमें इस संख्या को इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, अर्थात हम लिख सकते हैं दो, फिर यहां देख रहे हैं सात है और सात से पांच को घटाना है, तो कितना आएगा? सात से पांच घटाएंगे दो, और फिर यहां पर देख रहे हैं माइनस तीन और इसको इसके बाद वाली संख्या से घटाना है, पांच से तीन घटाएंगे ये भी होगा दो, और फिर यहां तीन है, तीन का तीन हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यदि हम 358 में गुणा कर दें 9 से तो हमारा गुणनफल 3222 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम एक इससे भी बड़े गुणा को समझ सकते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है 4684 गुणे 999। तो अब गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहला नियम वही है कि हमको एक कम करके इसको लिख देना है 4684, क्या लिख देंगे हम 4683। फिर अब इस 9 वाली संख्या में से इसको घटाना है, या 4 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है, हम यहाँ एक शून्य दे देंगे और फिर इसे क्रमशः घटाएंगे, 9 से घटाएंगे 3 को आ जाएगा 6, फिर 9 से घटाएंगे 8 को आ जाएगा 1, 9 से घटाएंगे 6 को हो जाएगा यहाँ 3, फिर यहाँ आप जो देख रहे हैं 4 है और यहाँ पर शून्य है, शून्य से 4 को घटाएंगे यहाँ होगा माइनस 4, और इस माइनस 4 को हम इधर से घटा देंगे, देखिए 6 हो गया 1 3, और यहाँ देख रहे हैं 83, 4 गया उसमें से, यानी 83 से 4 घटा दिए, यहाँ हो गया 7, नौ, सात, छ, चार, यानी 79, 83 से 4 घटाएंगे 79 होगा, और यहां पर 4, 6, जैसे आप देख लीजिए 6 1 3, और यहां पर 3 नहीं घटेगा, हंसी लगे 13 से 4 गया 9, यहां बचा 7, 7 का 7, यहां 6, यहां 4। इस प्रकार यदि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो इतने बड़े बड़े गुणा को हम आसानी से डायरेक्ट इसका गुणनफल लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ताकि अधिक से अधिक हमारे दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।